अडानी ग्रुप अगले दशक में न्यू एनर्जी, डेटा सेंटर और डिजिटल क्षेत्र के अंदर 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। बीस भी फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ समिट में उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि इस निवेश का 70% हिस्सा एनर्जी ट्रांजिशन स्पेस में होगा। अडानी ने दावा किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के कारण भारत एक दिन नेट एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है और अडानी ग्रुप में आने वाले दिनों में 45 गीगावाट हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ेगा। इसके अलावा सौर पैनल, पवन टर्बाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 कारखानों को स्थापित किया जाएगा। गौतम अडानी ने समिट में कहा कि कभी वैश्वीकरण का चैंपियन रहा चीन, अब चुनौतियों का सामना कर रहा है। जल्द ही चीन तेजी से अलग थलग महसूस करना लगेगा। इसके साथ ही भारतीय बाजार के बारे में बोलते हुए गौतम अडानी ने कहा कि भारत अविश्वसनीय अवसरों से भरा हुआ है। That was seen as the foremost champion of globalization will feel increasingly isolated. Increasing nationalism, supply chain risk mitigations, and technology restrictions will have an impact. China's Belt and Road Initiative was expected to be a demonstration of his global ambitions, but the resistance now makes it challenging. Unique ability to express its diversity. The fact is, India has just become the world's 5th largest economy. The fact is, India is on the path to be the world's 3rd largest economy by 2030. The fact is, India's real growth is just starting. As it goes from its 75th year of freedom this year towards its 100th year of independence.